आपके साथ पूजा और आप देख रहे हैं आर्ट इंडिया न्यूज़। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। यह संयोग ही है कि जब 10 साल पहले नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के अध्यक्ष राजेश पाठक थे, उस समय शहीद चंद्रशेखर आजाद स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के हॉकी मैदान को एस्ट्रोटर्फ मैदान में बदलने की मांग उठी, और आज जब अध्यक्ष श्री पाठक हैं, तब फिर हॉकी मैदान को बदलने के लिए एस्ट्रोटर्फ के लिए भूमि पूजन किया गया। अध्यक्ष राजेश पाठक के कार्यकाल में एस्ट्रोटर्फ की मांग उठने के बाद तत्कालीन नपा अध्यक्ष के कार्यकाल में इस कार्य को गति मिली। सबसे पहले परिषद ने नगर पालिका के हॉकी मैदान को खेल एवं युवा कल्याण विभाग को सौंपा, जिसके बाद तेज गति से मैदान को एस्ट्रोटर्फ में बदलने का प्रयास प्रारंभ किए गए। इस कार्य के लिए मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री, खेल मंत्री, तत्कालीन विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कवारे, खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल, राज्य मंत्री रामकिशोर कवारे सहित प्रशासनिक अधिकारियों में तत्कालीन कलेक्टर वीही किरण गोपाल, भरत यादव और वर्तमान कलेक्टर दीपक आर्य के प्रयासों का नतीजा है कि बालाघाट जिले के हॉकी खेल मैदान को एस्ट्रोटर्फ में बदला जाएगा, जिसके लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 7 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि आवंटित की गई है, जिसका भूमि पूजन महाशिवरात्रि के पूर्व संध्या पर हॉकी मैदान में राज्य मंत्री रामकिशोर कवारे, पूर्व मंत्री बिसेन, अध्यक्ष राजेश पाठक सहित नेहरू स्पोर्टिंग क्लब पदाधिकारी, सदस्य, खेल प्रेमी और शहर के गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राज्य मंत्री रामकिशोर कवारे ने कहा कि कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है, यदि संकल्प के साथ उस कार्य के प्रति जुट जाओ तो संभव हो जाता है, और जिले के हॉकी मैदान को एस्ट्रोटर्फ में बदलने के संकल्प ने इसे साबित कर दिखाया है। नेहरू स्पोर्टिंग क्लब अध्यक्ष राजेश पाठक इस भूमि पूजन के अवसर पर काफी भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि मेरे जिस कार्यकाल में मैदान को एस्ट्रोटर्फ में बदलने की मांग उठी थी, आज मेरी ही कार्यकाल में मैदान के एस्ट्रोटर्फ में बदलने की भूमि पूजन हो रही है। मेरी भावनाएं आंखों के माध्यम से झलक रही हैं। पहले सोचा करते थे कि मैदान को एस्ट्रोटर्फ में बदलने का यह पल कब आएगा, लेकिन आज जब यह पल आ चुका है, इसका सपना जिले के पूरे हॉकी खिलाड़ियों ने देखा था और जिसके लिए हमारे जनप्रतिनिधियों ने भी अथक प्रयास किया था। मैंने कहा कि महाशिवरात्रि पर्व के पूर्व 10 तारीख की छुट्टी है, आप 10 को कार्यक्रम रख रहे हमारे मंत्री भाई रामकिशोर जी कावरे जबलपुर में थे, माननीय राष्ट्रपति जी की अगुवाई में थे। मैंने उन्हीं के सामने, वर्मा जी के सामने टेलीफोन पे बात की और हमने कार्यक्रम का नियोजन किया। अब आज मीडिया का युग है, हम इस मैदान में खचाखच लोगों को बुलवा लें, तो बहुत अच्छी बात है, और सीमित संख्या में भी लोग आते हैं, तो ये जो आज का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का युग है, आज पूरे देश में, पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ नेटवर्किंग का सिस्टम हमारे लोगों के माध्यम से जाएगा, ये पता हो जाएगा कि आज एस्ट्रोटर्फ और अधोसंरचना के विकास का शुभारंभ हो गया। ऐसे समारोह में अपना आशीर्वाद देने के लिए पधारे खेल प्रेमी, हम सबको मार्गदर्शन करने वाले सामान्य ऋषभ वैद्य जी, सामान्य बालाघाट से इमरान खान की रिपोर्ट।